हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती आप लोगों को पता है बहाली आ चुकी है, और एक अभ्यर्थी, सबसे बड़ा डाउट यही है कि आप लोग कितने बार इस एग्ज़ाम को जो है अपेयर हो सकते हो, यानी कि जो तीन अटैम्प्ट है ना, थ्री अटैम्प्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि तीन अटैम्प्ट काउंट कैसे होंगे। इस वीडियो में आपको जो है बिल्कुल 1 से 2 मिनट इस वीडियो में लगेगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले जो पॉपुलर सिनेरियो है, बहुत सारे लोगों ने बीएड और डीएलएड दोनों कर रखा है, उनके लिए खास करके ये खबर है कि अगर आपने बीएड और बीटीसी या फिर यानी कि 1 to 5 के लिए भी आप एलिजिबल हो, 6 to 8 के लिए भी, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए भी एलिजिबल हो, तो सबसे ज़्यादा मौका आप ही लोगों को मिलने वाला है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज कर लेते हो कि आप पीआरटी में अप्लाई करते हो, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो आप तीन अटैम्प्ट दे सकते हो, तीन बार इसकी परीक्षा दे सकते हो। एक और बात आती है इसमें कि सपोज कर लो किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है और वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाए, तो क्या उसके काउंट को ऐड कर लिया जाएगा? तो नहीं, उसे ऐड नहीं किया जाएगा। यानी कि आप तीन बार एग्ज़ाम में अपेयर हो गए तभी आपके अटेम्प्ट को जो है काउंट किया जाएगा, उसे गिना जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से, अगर आप 6 to 8 की तीन बार परीक्षा दोगे और अगर तीनों बार में आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो फिर आप चौथी बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। 1 to 5 के लिए मैंने बताया 3 बार, 6 to 8 के लिए भी 3 बार। अगर हो सकता है कि किन्हीं का 9 10 हो, क्या हो, 9 10 हो, तो वो 9 10 भी जो है 3 बार दे सकते हैं, और 11 12 भी जो है 3 बार दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अच्छे से तैयारी कीजिए, और अटेम्प्ट वाले जो कन्फ्यूज़न था उसे मैंने आपके सामने क्लियर करके रख दिया है। बाय द वे, कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।